सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, वी नो द पैटर्न, क्या कहना जा रहा है यहाँ पे। नाउ जरा देखो, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे जरा मल्टा करो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 डॉट dx। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ समझ में आ रही है। नाउ एज वी नो दैट कि ऊपर px प्लस q है, डिनोमेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है डॉट डी एक्स इक्वल टू ए डी बाय डी एक्स। अच्छा तो इस केस में क्या करते हैं अपन, पी एक्स प्लस क्यू को ए डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आई थिंक ये फंडा क्लियर। जब भी ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। नाउ तो क्या करेंगे, 6x प्लस 7 को लिखेंगे प्लस b, कोई इशू नहीं है। तो 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, जरा करो डिफरेंशिएट, a 2x माइनस 9 प्लस b, फिर 2ax माइनस 9a प्लस b 6x प्लस 7। परफेक्ट। फिर डू यू रिमेंबर, एक्स वाला एक्स से कंपेयर होगा, कॉन्स्टेंट वाले कॉन्स्टेंट से कंपेयर होंगे, वी नो दैट। सो बच्चा लोग 6x इक्वल टू 2ax, एक्स एक्स गॉन, ये a आया 3, कोई दिक्कत नहीं है। देन 7 इक्वल टू माइनस 9a प्लस b, माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7 प्लस बी, 9 3 जा 27, 27 को यहाँ भेजें तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू बी, तो कितना आया, बी इक्वल टू मेरे पास आया 34। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। सो गाइस एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे ना आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखो इस इक्वेशन में कहाँ रखेंगे बच्चा लोग, हम लोग इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू यहां पर रखो। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 3, 2x माइनस 9 और b की वैल्यू है 34, कोई दिक्कत नहीं है, आराम चल रहा है। नाउ देखो, नाउ क्वेश्चन क्या था मेरा, 6x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डॉट dx, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नाउ देखो इसको रखो यहाँ पे, रिप्लेस करो 3 2x माइनस 9 प्लस 34। अपन ने इसको क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, प्रोसेस सबको समझ में आ चुका है। नाउ इसको सेग्रीगेट करें, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2x माइनस 9 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डॉट dx प्लस 34 इज ए कॉन्स्टेंट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20 9x प्लस 20 डॉट dx। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करें, इसको अपन i मान, अच्छा इस 3 को हटा के मैं बाहर लिख दूँ, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। इसको मार्क कर लीजिए एक बार ताकि नज़र रहे हमारी इस पर, इसको i मान लेते हैं अपन। नाउ i इक्वल से काम करते हैं, i1 प्लस i2 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। i1 हो गया ये और i2 हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। सो i1 इक्वल टू 3 लिखा 2x माइनस 9 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डॉट dx, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है आराम से, कोई इशू नहीं है, डन। अब जरा देखो
ये तो ये वाला पार्ट तो इजी है, मुझे सिर्फ डिनोमेटर वाले पार्ट को क्या मानना है, टी मानना है, ऊपर की चीज गायब हो रही है। सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू टी माना। सो गाइस टू एक्स माइनस नाइन डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो बच्चा लोग वी नो दैट कि ये वाला पार्ट गायब हो गया। सो आई वन इक्वल टू थ्री वन अपॉन रूट टी डॉट डी टी। नौ टी मानी ऊपर जाके माइनस हाफ। सो यहां लिख दूं मैं, आई थिंक सबको विजिबल होगा, टी की पावर माइनस हाफ डॉट, अच्छा अब डी टी में चल जाएगा, डी टी डी टी परफेक्ट। तो आई थिंक आप सबको पता है कि एस एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये वाला काम बड़े आसानी से हो जाएगा, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। तो आई वन इक्वल एक काम सी वन ले लो, तो ये हो जाएगा सिक्स। टी माने टी कौन है, ये रहा टी कौन है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी। आई थिंक सबको समझ आ रहा है ना। देखो अब मैं चीज बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आया मेरे पास आई वन, तो आई थिंक यहाँ तक का फंडा क्लियर है सब लोगों को। सो आई वन आ गया मेरे पास, और जनरली आई वन लाना ईजी होता है ना, अगले वाले में बहुत बड़ी मेहनत है भाई, बहुत बड़ी। नौ I2 देखो बच्चा लोग, कहाँ है I2? I2 ये रहा अपने पास 34 के साथ। सो I2 इक्वल टू 34, प्लीज ध्यान दीजिए ये कौन सा पैटर्न है, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो याद करो बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स मैंने सिखा था, x का कॉफिशेंट उसके साइन के साथ नहीं, सिर्फ कॉफिशेंट, कॉफिशेंट है थ्री, सॉरी कॉफिशेंट है नाइन, नाइन का हाफ कितना होता है भाई, कितना होता है नाइन बाय टू, तो प्लस नाइन बाय टू का स्क्वायर माइनस नाइन बाय टू का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्मूथली चल रहे हैं अपन। मैंने सिखाया है कि x का कॉफिशेंट लेना है, हमेशा ध्यान रखना x का कॉफिशेंट। नाउ स्पेस नहीं है मेरे पास, सो i2 इक्वल टू 34 वन अपॉन रूट ऑफ वी नो दैट x माइनस नाइन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस माइनस ने डिफाइन किया कि a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, क्लियर। अच्छा इस वाले पार्ट को मैंने कहा ना रफली सॉल्व कर लो, तो 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4 प्लस 20 पर माइनस के साथ, भूलना मत इस साइन को, कई बच्चे इस माइनस को भूल जाते हैं। सो गाइस मैं कहता हूँ वापस, टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव साइन, छोटी छोटी बातें पर ध्यान रखना। कितना हो जाएगा 80, कितना है माइनस 1/4, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिखोगे माइनस 1/4 डॉट डी एक्स। तो I2 आया 34 वन अपॉन रूट ऑफ x माइनस नाइन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। और एक कला देखना, एक चीज़ देखना, मैं रूट को पूरा आगे तक ले जाता हूँ, जो चीज़ रूट में उसको पूरी कवर करता हूँ। आप लोग बच्चे, कई बच्चे परफेक्शन नहीं करते, बस यहाँ डंडी खींच दी ऊपर नहीं खींचा, पूरा करना ठीक है। नाउ I2 इक्वल टू 30, अच्छा फॉर्मूला किसका बना है, नाउ सी लीनियर इक्वेशन है, वन अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। याद है फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला जरूर लिखना आप लोग, ठीक है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। अब जरा लिखो I2 इक्वल टू 34, ध्यान से बहुत ध्यान से भाई, log x की प्लेस पे है x माइनस नाइन बाय टू, कोई तकलीफ नहीं है, प्लस रूट के अंदर है x माइनस नाइन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। नौ गाइस थोड़ा सा दिमाग यूज करें, मैं आपको ट्रिक्स कहता हूँ ना हमेशा, मेरे वाले में चीज़ मेरे वीडियो में खास बात क्या, ट्रिक और गलतियाँ ये जो सिखाता हूँ मैं आपको,
ये कहाँ से। अच्छा कई टीचर बोलते हैं इसको सॉल्व कर लो और फिर जो आएगा वो लिख देना। अरे क्यों सॉल्व करें, दिमाग है हम में। ये कहाँ से आया, यहाँ से। सर ये कहाँ से आया, यहाँ से। ये कहाँ से आया, यहाँ से। ये कहाँ से आया, यहाँ से। अच्छा मतलब इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू आएगी, हाँ। अरे तुम लोगों ने यही तो क्या है, सिंपल मैनिपुलेशन ही तो किया था। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। सो बच्चा लोग क्या आई टू इक्वल टू 34 लॉग एक्स माइनस 9 बाय 2 प्लस, डायरेक्ट लिखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर? आई वन आ गया, आई वन का है बोरा, आई टू का है ये रहा। सुनाओ इसको थोड़ा सा अपन हटाओ मैं यहाँ से। नाउ जरा देखो बच्चा लोग, नाउ कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से अपन। आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू था और इधर सी को ले लो आप, सी टू ले लो, ताकि सी वन प्लस सी टू एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ आई इक्वल्स टू आई वन कितना है बोरा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34। अच्छा इसमें आएगा ही नहीं मेरा, तो 34 लॉग एक्स माइनस 9 बाय 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, एक नया कॉन्स्टेंट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। गाइस क्लियर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो मेहनत मांगता है ना, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। 3 क्वेश्चन करो, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मिलेंगे आपको, डन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, अगेन द सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, लेट्स स्टार्ट। नाउ ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, सो वी ऑल नो कोई पैटर्न, तो पैटर्न पता ही आपको, बी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भले ये रूट में क्यों ना हो तो इसका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पी एक्स प्लस क्यू कशो डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस। अच्छा यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे क्या आता है, बी, ध्यान रखना, और मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। नाउ लेट्स बिगिन, क्या होगा, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ए डी बाय डी एक्स। सब लोग क्वेश्चन बड़े सिस्टमेटिक वे में करना, कोई भी डायरेक्ट जंपिंग मत करना जब तक तुम प्रो नहीं होते, प्रो, ठीक है यहाँ पे। नाउ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ए 4 माइनस 2x प्लस बी, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्या हो गया, 4a माइनस 2ax प्लस बी, परफेक्ट। अब देखो डेफिनेट आई करें, विल कंपेयर, x वाला x से कंपेयर होगा, तो x इक्वल्स टू माइनस लेना मत भूल जाना, ध्यान रखना, ठीक है। सो x से गया तो a इक्वल्स टू माइनस का हाफ, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं b की, बात करते हैं, जरा देखो 2 इक्वल्स टू 4a प्लस बी, ए है माइनस हाफ, काटो इसको, तो 2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस बी, सो इट मीन्स b आपके पास कितना आया, 4। चालू करें, आई थिंक सब लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर चुके हैं, चालू करें और देखो क्या आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ आगे चलते हैं अपन, ए आ गया, बी आ गया। अच्छा मेरी स्टार इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, इसमें मुझे ए और बी रखना है। सो पुट इन इक्वेशन 1, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ए कितना है, माइनस हाफ 4 माइनस 2x और 4, ठीक है। वीडियो चलने दीजिए और आप लोग अपना क्वेश्चन करें, ठीक है। नाउ जो शुरू से पढ़ रहा है डेफिनेट, नाउ जरा देखो, एक्स प्लस टू अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, सबको पता है। सो जरा ध्यान से देखें,
फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, कोई तकलीफ नहीं है, बट ध्यान रखें इसको सेग्रीगेट कर देंगे कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, पक्का ना भाई? ऐसे सेग्रीगेट करना सबको आता है ना, करप्शन कर रहे हैं ना आप लोग, खुद कर रहे हैं ना जो मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना। माइनस हाफ फोर माइनस टू एक्स अपॉन रूट ऑफ, थोड़े तो प्रो हैं हम लोग यार, ऐसी बात नहीं है, वो बोलते ना गेमिंग में नूब और प्रो, सो फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है, प्रो हैं, इतने तो हो गए, अच्छा खासा आ गया हमको, डन। अब क्या करें? अच्छा एक तो ईजी हो जाता है, अच्छा इसको सर एक तो ना अपना एक हेडक ख़त्म करो, एक तो क्या हेडक है अपनी, वो कि इसको आई ले लो और पूरे को इसको आई वन प्लस आई टू ले लो, हेडक ख़त्म करो सर, ये पूरा आई वन और ये पूरा आई टू, माता फोड़ी ख़त्म करें अपन, चलें बनाएंगे चलें। सो आई वन कितना है बच्चा हमारे पास, माइनस वन फोर माइनस टू एक्स रूट ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब ना पहले वाले पता है आपको कि मुझे सिर्फ नीचे t मानने का है, पर रूट के साथ मत मान देना बच्चों, सिंपल 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, 4 माइनस टू एक्स, फिर dx यहाँ आ जाएगा इक्वल टू dt, टी वहाँ चला जाएगा, सो i1 वन इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, आई थिंक इतना तो सब्स्टिट्यूशन अब सबको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलते हैं अपन ना, परफेक्ट। तो बच्चा लोग ये t की पावर ऊपर जाके माइनस हाफ, यहीं लिख दूँ मैं, आई थिंक सबको विजिबल भी है, t की पावर माइनस हाफ डॉट डी टी, अब लगा दो अपने वो वाला x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, सो i1 कितना आया, t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, अरे n प्लस वन तो माइनस हाफ प्लस वन हाफ होगा, ये कैंसिल हुआ, सो i1 आपके पास आया माइनस t कौन है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x, सो गाइस मैंने रूट हाफ को क्या लिख दिया, मैंने रूट लगा दिया, रूट लगा दिया अपन ने, ठीक है, तो ये i1 आया, परफेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, इजी चल रहा था, बस सिंपल यार गाइस, चार क्वेश्चन करोगे ना हर काम होगा, आराम से होगा, बट पूरा करना आधा नहीं करना। नाउ i2 की बात करते हैं, i2 कहाँ है, ये राइट टू अपना, इसको भी मार्क कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, आई टू हो रहा अपना फोर ना, जरा यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें, जिनको प्रॉपर नहीं पता है प्लीज़ जरा देखो, जरा देखो, पहली कंडीशन मैंने सिखाई कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो होता चाहिए प्लस वन, अभी आ रहा है माइनस, अपने जो प्रोसेस जो सिखाया वो फॉलो करो, और रूट के अंदर ही रहना चाहिए माइनस, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान है। फिर मैंने सिखाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सिखाया मैंने आपको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस, अच्छा एक्स के कॉफिशियंट का हाफ मतलब फोर का हाफ टू, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस माइनस करने का है, टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का है, ठीक है डन। Now I2 equals to 4, ध्यान से देखना जरा, एक ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है Now माइनस, ध्यान से ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस का 4, कोई तकलीफ किसी के, बट ये लास्ट में क्या करता हूँ पता नहीं, इस माइनस को मैं वापस अंदर भेज देता हूँ, तो i2 equals to 4, 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, यहाँ तक को डाउट, बहुत चल आराम से काम चल रहा है ना, डन। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, किसका फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, यहाँ तक क्लियर सबको है ना, परफेक्ट, साइन वर्स एक्स बाय प्लस सी, ठीक है यहाँ पे डन, आराम से चल रहा है काम। नाउ देखो, सो आई टू क्या है यहाँ पे, फोर ए हो गया टू, फोर को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, टू का स्क्वायर, परफेक्ट, सो फोर तो ये रहा,
साइन इनवर्स x कितना है, x माइनस टू अपॉन टू प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आराम से चल रहा है काम। सो ये वाला पार्ट भी तुम्हारा फिनिश हुआ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, चलें अपन आगे बच्चा लोग। सो अब कुछ नहीं, आई वन वो रहा, आई टू ये रहा, और ऐड कर दो तो अपन आगे चलते हैं। बच्चों मैं ये चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए अगर करना है तो। डन, चलो नाउ ध्यान से देखिए यहाँ पे। सो फाइनली मेरा क्या है, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू है, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू आई वन कितना 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 है, हो रहा माइनस रूट ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आई टू। अच्छा वो सी वन सी टू ले लो, इसको सी वन ले लिया सी टू ले लिया, है ना, फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू अपॉन टू प्लस सी वन प्लस सी टू, एक नया सी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अरे ज़्यादा ज़्यादा यार, कुछ लोग इसको वहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, आई इक्वल्स टू फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस। सो आपका फाइनल आंसर ये रहा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्वेश्चन आर इजी गाइस, इजी, दो तीन क्वेश्चन करने का, उसके बाद हर काम आप आराम से कर सकते हो। डन, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स अगेन सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, ठीक है। नाउ जरा देखो, ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब मैं बार बार पैटर्न नहीं लिख रहा, अपन डायरेक्ट चालू करते हैं। सो वी नो दैट कि x प्लस टू को इक्वल टू a लिखा, डी ए बाय डी एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस बी। ये स्टेप जरूर लिखना, आप डायरेक्टली मन में मत करना, ये स्टेप बोर्ड में जरूरी है आपके लिए करना। फिर x प्लस टू इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस टू इक्वल टू टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी। ना सिंपल, x वाला जो है x वाले से कंपेयर होगा, सो x इक्वल टू टू ए एक्स, सो a की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई, ठीक है। आप लोग जो लोग मैसेज शुरू से पढ़ रहे हैं ना गाइस, आप लोग क्वेश्चन करो, वीडियो चलने दीजिए और चेक करते रहिए स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। टू ए टू इक्व टू कॉन्स्टेंट वाले से टू ए प्लस बी, भाई कॉन्स्टेंट है ना, x तो ही नहीं यहाँ पे, तो टू ए प्लस बी पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ये हाफ रखो, वन वन वहाँ गया तो टू वन इक्व टू बी, तो बी इक्व टू कितना आया, वन। क्लियर, इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है, चलें अपन आगे। नाउ जरा देखो क्या है मेरा जो मेजर इक्वेशन है वो ये रहा, ठीक है यहाँ पे। अच्छा कुछ बच्चे गलती से ए और बी यहाँ लिख देते हैं, इसमें नहीं, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वाली स्टेप रखते हैं अपन, ठीक है ना। नाउ एक्स प्लस टू को लिखूँगा मैं, ए की प्लेस पे आया हाफ और बी की प्लेस पे वन। सो जो क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो कैन आई राइट लाइक दिस ऑल्सो, इस वाले पार्ट को रिप्लेस करके हाफ टू एक्स प्लस टू प्लस वन परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। नाउ आपको पता है कि मुझे इसको सेग्रीगेट करना है अलग अलग, एक वन के लिए चले जाएंगे और एक इसके लिए चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, चलें अपन आगे। सो हाफ लिखा, टू एक्स प्लस टू लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री लिखा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को क्या मान लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, आई मान लेते हैं, तो अपन बोलते हैं आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। क्या बोला, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, आई वन ये रहा आई टू वो रहा, ठीक है। डन, इसको मार्क कर लीजिए, चेक पॉइंट से मेरे ये। नाउ ले लेते हैं एक को, आई वन लिया टू एक्स प्लस टू, यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुझे टी लेने का है,
बच्चा बच्चा जानता है नाउ सो नहीं लेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्व टू टी तो टू एक्स प्लस टू डॉट डी एक्स इक्व टू डी टी परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं आराम से चल रहे हैं अपन आगे डन नाउ तो ये वाला पार्ट इससे तो रिप्लेस हो गया सब मेरे साथ है कोई दिक्कत तो नहीं है आई वन इक्वल्स टू हाफ ये रहा वन अपॉन रूट टी डॉट डी टी वन अपॉन रूट टी प्लॉट डी टी परफेक्ट चल रहा है काम ये ऊपर जाकर टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा कुछ स्टेप की जरूरत नहीं पर बोर्ड एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे अच्छा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो हाफ एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी शटाक शटाक तो एक्स कितना है हाफ मतलब रूट तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं आराम से काम चल रहा है बिंदास चलूं मैं आगे डन ये आ गया आई वन परफेक्ट नाउ आई टू के बारे में बात करते हैं आई टू का है मेरा ये रहा कहाँ 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 ये रहा आई टू अपना ठीक है बच्चा सो आई टू को सॉल्व करते हैं सबको विजिबल है और भाई कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार ठीक है ना इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों आई टू इक्वल्स टू नो वी नो दैट इस x के कॉफिशेंट का हाफ करेंगे तो टू वन हो जाएगा तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री हालांकि मैं थ्री को वन प्लस टू कह सकता था वो अपने अपनी सोच है जो देख सके वो देख ले बाकी जो एक नॉर्मल फंडा जो हर जगह चल रहा है x के कॉफिशेंट को हाफ करो उस हाफ का जो भी आएगा उसका एक प्लस में और एक माइनस में स्क्वायर स्क्वायर करके डाल दो ठीक है नाउ नाउ यू नो दैट ये क्या बना x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री बोले तो कितना हो गया टू हो गया तो प्लस टू डॉट डी एक्स ठीक है परफेक्ट इस टू को क्या बोलेंगे अरे रूट टू का स्क्वायर बच्चा क्या बोलेंगे सही कर रहे हैं ना अपन सब कुछ बराबर चल रहा है जरा सोचो किसका फॉर्मूला लग रहा है किसका लग रहा है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ये लग रहा है फॉर्मूला कोई इशू नहीं है एक्स यहाँ पे लीनियर फॉर्म में ए कौन है मेरा रूट टू है सो आई टू क्या आया बड़े सिस्टमेटिक वे में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस सी बट सर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखाओ अरे अच्छा क्या दिखाने को ये कहाँ से आया यहाँ से 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 आया तो इसकी वैल्यू जो है वो ये हो सकती है तो क्यों खोल लें इसको फिर सॉल्व करें डायरेक्ट इसकी जगह हम लोग ये रख देंगे ठीक है सो आई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी सो दिस इज माई आई टू यहाँ तक क्लियर आई वन आ गया था आई टू आ गया था और इसमें पुट कर दें देयर फोर सो आई इक्वल्स टू आई वन अच्छा एक को सी वन ले लो एक को सी टू ले लो और सी वन प्लस सी टू करके एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा दैट इज सी परफेक्ट सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी परफेक्ट गाइस तो दिस इज माय फाइनल आंसर सो क्वेश्चन में अब क्वेश्चन लेंदी लग रहे हैं पर क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे हैं आई थिंक मुझे बताना बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं लेंदी हैं बट टफ नहीं है अब आई थिंक आपको सब कुछ प्रैक्टिसिंग अच्छे से हो गया एक और चीज प्रॉपर राइटिंग में करें एंड ट्राई करेंगे ब्लैक पेन ले लें साथ में पर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं बट प्रॉपर
राइटिंग में जरूर कर, देखो मेरा राइटिंग देखो सिस्टमेटिक वे में चलता रहे, ठीक है। यहाँ पे डन, क्लियर, पॉज वीडियो एंड नॉट इट ऑन। सो इस बात करते क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नाउ क्या है, x प्लस थ्री, अब डायरेक्ट करें a डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी, ठीक है, परफेक्ट। फिर x प्लस थ्री इक्व टू a टू एक्स माइनस टू प्लस बी, अभी कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आराम चल रहा है ना। x वाला x से कंपेयर होगा, कॉन्स्टेंट वाला कॉन्स्टेंट से कंपेयर होगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ x इक्व टू टू ए एक्स, सो x ध्यान रखना इक्व टू वन बचा हुआ, तो a इक्व टू हाफ। फिर थ्री इक्व टू माइनस टू है, माइनस लेना मत भूलना, कितना आया माइनस वन, उधर जा गया तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन इक्व टू बी, तो बी इक्व टू फोर। क्या यहाँ तक फंडा किया, ए हाफ आया और बी फोर आया, डन परफेक्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं आगे अपन। अब इस ए और बी को रखना है मुझे यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वाली स्टेप में, ठीक है। सो ए कितना है हाफ, परफेक्ट, इसको पुट करो। सो अपना क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डॉट डी एक्स, ठीक है। एक्स प्लस थ्री कितना है हाफ, टू एक्स माइनस टू प्लस फोर अपॉन, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नो दैट कि मुझे सेग्रीगेट करना है, इसको अलग करना है और इसको अलग करना है, परफेक्ट। नाउ क्या करेंगे, इसको i मान लो, हाफ लिखा 2x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, फिर प्लस फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का फाइव डॉट डी एक्स, और डी एक्स लिखना ना भूले। यहाँ तक पढ़ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास क्वेश्चन चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, डन। नाउ आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है काम हमारा। आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, ये आई वन हो गया, वो आई टू हो गया, कर लें सॉल्व। हाफ टू एक्स माइनस टू, तो एक में देख रहा, एक चीज हमेशा सही सेम लगती है कि मुझे एक वाले पार्ट में तो एक को टी मानना, सिंपल डिफरेंश करने में अपना काम हो जाता है आराम से। तो जैसे यहाँ पे लेट, तो 2x माइनस टू डॉट डी एक्स को डी टी, ये ब्रैकेट जरूर लगाना हुआ, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ ये चीज़ गायब हो गई, सो i1 वन इक्व टू हाफ वन अपॉन टी डॉट डी टी, क्या है, वन अपॉन टी डॉट डी टी, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो i1 वन इक्व टू हाफ वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो लॉग मॉड्यूलस के साथ टी कितना है, समय पर आई वन आ गया, इसको मार्क जरूर करें, बोर्ड एग्जाम भली पेन से ही सही, ये पेंसिल पेंसिल मत लेना हुआ, हाथ से स्केल से खींच रहे हैं, ऐसे काम मत करना, टाइम वेस्ट होता है, सिंपल पेन से लिया शटाशट निपटा दिया अपने, ठीक है। नाउ 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 आई टू लेते हैं अपन, आई टू कितना है, नाउ यू नो दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा, प्रैक्टिस चल रही है आराम से, बिंदास चल रहा है काम, आराम से चल रहा है। नाउ आई टू इक्वल्स टू फोर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या मैं इधर भी एडजस्ट कुछ कर दूँ, छोड़ो रहने दो, नहीं करते अपन। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स का हाफ कितना है, कॉफिशन कौन है, टू, टू का हाफ वन, अच्छा वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, एडजस्ट करने के लिए अपन प्लस माइनस लगाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो ये कितना हो जाएगा, आई टू इक्वल्स टू फोर वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर,
ये माइनस वन और माइनस फाइव हो गया माइनस सिक्स, अच्छा माइनस सिक्स थर्टी एक्स, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन चल रहा है बिंदास। चलो आगे चलते हैं अपन। ना I2 देखो जरा, अच्छा थोड़ा सा मुझे I2 को एडजस्ट करना पड़ेगा है ना, फोर क्या मैं रूट सिक्स को लिख सकता हूँ, रूट सिक्स का होल स्क्वायर, परफेक्ट है, कैन यू राइट रूट सिक्स, रूट सिक्स का होल स्क्वायर सिक्स ही होता है, परफेक्ट। नाउ किसका फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद करो वो एक्स लिया था लड़की थी, याद आ रहा है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स, ए माने बॉय तो मतलब पहले माइनस आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा, जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको ट्रिक पता है, जो स्टार्टिंग से जो लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं ठीक है आई होप सो फॉर्मूला याद होंगे, पर जो लोग शुरू से स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको ट्रिक पता है, कैसे याद कराता हूँ मैं, ठीक है किसे नहीं देखा तो देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला याद करा है। नाउ सो I2 क्या आ रहा है जरा देखो, वन ऊपर तो फोर है ही है, इंटू वन अपॉन टू ए कितना है रूट सिक्स, कई बार बच्चे ए और ए ए स्क्वायर और ए में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ए आपका है रूट सिक्स, फिर लॉग एक्स है आपका एक्स माइनस वन, ए है आपका रूट सिक्स, फिर एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी, यहाँ तक भी फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लॉग एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी, दिस इज माई आई टू, अच्छा इसको एक सी वन ले लो इसको सी टू ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ परफेक्ट, चलें अपन आगे। नाउ क्या हो रहा है, I इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, सो I इक्वल्स टू आई वन कितना है मेरे पास, ये रहा हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस आई टू कितना है टू अपॉन रूट सिक्स, उधर स्पेस नहीं है नीचे कर दे, चलो टू अपॉन रूट सिक्स log एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी, सो दिस में फाइनल आई। अच्छा कुछ लोग चाहते हैं ये टू से रूट सिक्स काटे तो काटे उनकी इच्छा, उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा है ना, बाय चांस पीछे आंसर में ऊपर नीचे होगा टू रूट सिक्स काट दिया होगा, डजेंट मैटर दैट इज़ अ चॉइस, ठीक है यहाँ पे, बट दिस होल इज अ सॉल्यूशन जो अराउंड वन एंड हाफ पेज लेगा लेगा आपके, डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ योर कैलकुलेशन, बट क्वेश्चन ईजी है टफ नहीं है, प्रैक्टिस करें हो जाएगा, डन चलें पॉज ऑडियो एंड नोट इट ऑन। सो जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, सेम क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो बहुत धुरंधर हो चुके हो प्रो हो चुके हो तुम लोग, ए लिखा डी बाय डी एस लिखा, रूट मत ले लेना बच्चों ये बात ध्यान रखना अच्छे से, कई बच्चे रूट ले लेते हैं यहाँ पे, रूट मत ले लेना ठीक है, ए लिखा कितना टू एक्स प्लस फोर प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है ना, जरा देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2ax प्लस 4a प्लस बी, तो x वाला x से कंपेयर होगा तो 5x इक्वल टू 2ax कैंसिल, तो a आया 5 बाय 2, फिर 3 इक्वल टू 4a प्लस बी, सो 4 इंटू 5 बाय 2 प्लस बी, अरे a की वैल्यू पुट करी ना मैंने, ठीक है डन, 2 10 प्लस बी, परफेक्ट कर रहे हैं अपन काम, तो b इक्वल टू कितना है माइनस का 7, यहाँ तक क्लियर, चल आराम से क्वेश्चन हो गया, माइनस 7 आ गया। नाउ एज वी नो दैट कि मुझे यहाँ रखना है जो डिफ्रेंसिएशन के बाद आता है, इस जगह a और b की वैल्यू रखनी है, जरा रखो तो 5x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू है 5 बाय टू टू एक्स प्लस फोर, ठीक है 2x प्लस फोर और माइनस 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन हो रहा है, चलें अपन आगे। नाउ
देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइव एक्स प्लस थ्री की प्लेस पे क्या आएगा, 5/2, 2x+4। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7√ ठीक है। अब मैंने इसको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया, डन। नाउ चलो देखो अलग कर दो और आई मान लो क्या हो रहा है यहाँ पे, 5/2, 2x+4 अपॉन √x²+4x+10 -7/√x²+4x+10 .dx। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है क्वेश्चन। नाउ जो i=i1+i2, देखो मैं तो हमेशा i1+i2 लेता हूँ, ये माइनस के झमेले में नहीं पड़ता मैं, ठीक है। यहाँ पे तो i2 पूरा नेगेटिव के साथ हो जाएगा, मैं फालतू की हेडक नहीं पालते। एंड गाइस एक पैटर्न पकड़ो ना, उस पैटर्न को फॉलो करो, यूँ नहीं पैटर्न बदलते रहो, इस टीचर ने ऐसा पढ़ाया, मैंने ऐसा पढ़ा दिया, वैसे ऐसा पढ़ा दिया, आपको जो अच्छा लगे वो पैटर्न को हमेशा फॉलो करो। सो i1=5/2, नाउ वी नो दैट कि मुझे यहाँ पे क्या करने का है, टी मानने का है। सो देयरफॉर लेट टी माना 2x+4.dx=dt। सो गाइस ये पूरा पार्ट और डी एक्स के साथ ये चीज रिप्लेस हो जाएगी। सो वन अपॉन टी पावर या √2 बोलो dt, परफेक्ट, सबको क्लियर है, दिस विल गो अपसाइड, टी की पावर -0.5 dt। नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई, टी की पावर -0.5+1 मतलब हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम चल रहा है, ठीक है। नाउ i1=t, कौन है, टी है अपने पास x²+4x+10+c, तो i1 अपने पास ये आया, एज सिंपल एज दैट, क्लियर, डन। सो दिस इज माय i1। अच्छा इसको c1 ले लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, c1 ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, i1 आ गया। नाउ i2 की बात करते हैं, बच्चा एक चीज ध्यान रखना, i2 नेगेटिव के साथ चल रहा है मेरा, i2 चल रहा है नेगेटिव के साथ, क्लियर। सो i2=-7, क्या हो जाएगा, x², 4x है ना, तो 4 का आधा कर देंगे, तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +10, कोई तकलीफ नहीं किसी के भी, कोई दिल में दर्द तो नहीं है ना, ठीक है। सो i2=-7, 1/1, ये सबको दिख रहा है कि यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर -4+10 6, अच्छा +6.dx। इस माइनस प्लस का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम परफेक्ट, चले आगे चलें अपन। नाउ i2, अब फॉर्मूला देखना, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, √1/, जरा ध्यान से देखो बच्चों किसका लग रहा है फॉर्मूला, √x²+a² क्या आएगा, log x+x²+a² + c, क्या यहाँ तक क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चलो i2=-7 log x+2 +
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट सिक्स का होल स्क्वायर प्लस सी टू। सो फाइनली आई टू को लिख देंगे माइनस सेवन लॉग एक्स प्लस टू। बच्चा लोग ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो इसको खोलो मत, डायरेक्ट लिखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन। क्या फंडा क्लियर? सो दिस इज माई आई टू, डन। सो आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, कोई तकलीफ नहीं, सोचो कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे ना। अरे आई वन कहाँ है तेरा? अरे जरा ध्यान से देखो, ये फाइव लिखना भूल गया अपन, तो ये लगाया फाइव, ये मिसप्लेस हो गया, ध्यान रखना बोर्ड में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो आई इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, फिर प्लस है और आई टू में यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा प्लस, अपने पास स्पेस नहीं है, थोड़ा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, ये प्लस सी, ये पूरा ध्यान में साथ में रखना, ठीक है, साथ में जो, ठीक है, डन, क्लियर। इजी था, कुछ भी नहीं है, सेम तरीके, सेम क्वेश्चन है यार, सेम कंसेप्ट, कुछ भी नया नहीं, डन, क्लियर। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों लास्ट टू क्वेश्चंस पे आते हैं, काफ़ी हमने सफ़र तय कर लिया इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करके। नाउ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी क्वेश्चंस नहीं है। नाउ उधर देखो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डॉट डी एक्स। नाउ यू नो दैट, या तो इसका कोफिशिएंट का हाफ करो या टू को लिख दो वन प्लस वन, वन प्लस वन लिख दिया आपने। नाउ उधर देखो, इधर क्या बन रहा है, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। जरा सोचो फॉर्मूला किसका बन रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। कोई इशू नहीं है, सो आएगा, क्या आएगा इसका, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ए कौन है अपना, x प्लस नहीं, ए कौन है, वन। अच्छा ए का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा कुछ, तो मेरे चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट है ताकि फॉर्मूले से मैचअप कर जाए। तो वन अपॉन वन टेन इनवर्स एक्स कौन है, एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस सी। तो कुल मिला के बोलूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी। सो आपका आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इजी था, कुछ भी टफ नहीं है। चलें अपन आगे, पॉज बढ़ो एंड नॉट इट डाउन। सो अच्छा बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग। नाउ गाइस, एज वी नो दैट कॉमन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आला, वन अपॉन रूट ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। बट गाइस यू नो, मेरी एक शर्त थी, वो शर्त है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो प्लस वन होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, अंदर ही अंदर माइनस फोर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस था तो ये माइनस नाइन बाय फोर एक्स हो गया डॉट डी एक्स। कोई तकलीफ किसी को? शर्त पता है आपको मेरी, कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन प्लस वन होना चाहिए। तो मैंने माइनस फोर यू का यू कॉमन ले लिया, ये प्लस था तो ये माइनस में आ गया नाइन बाय फोर, ठीक है। नाउ सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो फोर है इसको बाहर भेज दूँ मैं टू के रूप में, फिर ये भी पता है आपको कि ये नेगेटिव अंदर ही रहेगा, यू नो दैट, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव रूट से बाहर नहीं जा सकता। एक्स स्क्वायर नाइन बाय फोर का हाफ क्या होता है, अरे नाइन बाय फोर का हाफ देखो क्या हुआ, नाइन बाय एट हो गया। तो नाइन बाय एट का होल स्क्वायर माइनस नाइन बाय एट का होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डॉट डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, फिर हाफ लिखा, माइनस लिखा, ये क्या बन गया, एक्स माइनस नाइन बाय एट का होल स्क्वायर, ये माइनस नाइन बाय एट का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, परफेक्ट। अच्छा गलती से नाइन बाय फोर मत लिख देना, आप नाइन बाय एट होगा, ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। चलो नाउ इस माइनस को वापस अंदर
भेजिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अभी भी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्या लगा फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ध्यान रखना 1/a नहीं आता है, वो आता है टेन के अंदर आता है, बट चलो फिर हाफ साइन इनवर्स एक्स कितना है 9/8, ए कितना है 9/8 प्लस सी, फिर हो गया हाफ साइन इनवर्स, जरा एलसीएम लो, 8x-9 अपॉन 9 प्लस सी। अरे बच्चा एलसीएम लोगों से 8 और 8 कट जाएगा ना, क्लियर है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। सो जरा चेक करो किससे ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा, बी ऑप्शन से आंसर मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी, क्लियर डन, कोई इशू नहीं है। सो आई थिंक गाइस आपको एक्सरसाइज 7.4 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने लिंक ऐप का लिंक भी डाल रखा है, और सारे जो चैप्टर्स का भी लिंक उसके अंदर मिल जाएगा आपको। एंड गाइस फॉर द चैनल सपोर्ट, चैनल को बिल्कुल शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू।